एसआई न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बिग बी स्पेशल में। आपको बता दें, यहां पर नाम से ही हर कोई समझ गया कि हम यहां पर बात करने वाले हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। जी हां, हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन जो है इन दिनों काफी ज्यादा ही खबरों का कारण बने हुए हैं, वो भी अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर। वहीं जहां अमिताभ तो खबरों में बने ही हुए हैं, तो वहीं एक खबर ऐसी है जो सारी लाइमलाइट को बटोरते हुए दिखाई दे रही है, और वो खबर है #MeToo अभियान, जिसको लेकर बॉलीवुड की तरफ से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया को रख रहे हैं। तमाम लोग यहां पर तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम अभिनेत्रियां सामने आ रही हैं और वो तमाम आरोप भी लगा रही हैं। तो ऐसे में पहले तो अमिताभ बच्चन ने इस अभियान को लेकर कुछ नहीं कहा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि ना मैं तनुश्री हूं और ना ही मैं नाना पाटेकर हूं। ऐसे में उनका ऐसा कहना कहीं ना कहीं तनुश्री दत्ता को भी बड़ा झटका लगा होगा। ऐसे में हाल ही में अब लग रहा है कि #MeToo अभियान में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जहां पर ये अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में एक हेयर ड्रेसर ने अमिताभ बच्चन को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। वाकई ही जो वो खुलासे कर रही हैं, उसको जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह कहलाए जाते हैं। उनका सम्मान, उनकी इज्जत हर कोई करता है, मगर ऐसे में जहां पर इस अभियान की शुरुआत है और हर कोई अपनी राय को रख रहा है, तो आप देखिए हमारे इस प्रोग्राम में क्या कुछ कहना है इस हेयर ड्रेसर का। बॉलीवुड में इन दिनों #MeToo अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां पर MeToo अभियान जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं देखा जा रहा है कि इस अभियान के जरिए बॉलीवुड की तमाम हसीनाएं सामने आकर बॉलीवुड के तमाम एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के चेहरों से पर्दे को हटाती दिखाई दे रही हैं। जहां पर इस अभियान की शुरुआत तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाकर की, तो मानो ये किसी ने नहीं सोचा था कि #MeToo अभियान इतनी तेजी से वायरल होगा। देखा जा रहा है कि जहां पर नाना के बाद साजिद खान भी विवादों में फंस चुके हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ऐसे बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा हैरान हैं। वहीं हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल #MeToo अभियान में अब अमिताभ बच्चन भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाकई ये काफी ज्यादा ही हैरान करने वाला मंजर है, क्योंकि जहां पर अमिताभ बच्चन इस अभियान से बचते हुए दिखाई दे रहे थे, देखा जा रहा था कि इस अभियान में उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या #MeToo अभियान और तनुश्री नाना विवाद पर वो क्या कहेंगे, तो देखा गया कि उन्होंने साफ इनकार ही कर दिया कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, ना ही वो नाना पाटेकर है और ना ही वो तनुश्री दत्ता है। जी हाँ, जब ऐसा उनका बयान सामने आया, कहीं ना कहीं हर कोई हैरान जरूर हुआ। वहीं देखा जा रहा है कि जहां पर इस विवाद को लेकर काफी ज्यादा ही ये विवाद गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हाल ही में सपना भवानी, जो बॉलीवुड की हेयर ड्रेसर मानी जाती है, जी हाँ, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक ऐसी चीज कह दी है जो वाकई ही हैरान करने वाला है। कहीं ना कहीं ये जहां MeToo कैंपेन में अमिताभ बच्चन दिखाई दिए, तो अब ऐसे में MeToo कैंपेन में ही उन्हीं के मुद्दे को उठा दिया गया है। वाकई ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जहां पर अक्सर ही महिलाओं के हक के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं, तो ऐसे में जहां पर सपना ने अमिताभ बच्चन पर ही इस MeToo कैंपेन में तंज कस दिया है,
कहीं ना कहीं उनके फैंस को काफी बड़ा सदमा लग सकता है। अब आप इस ट्वीट में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सपना ने अपने ट्वीट को लिखा है, जहाँ पर वो ट्वीट लिखती हैं, दिस हैज टू बी द बिगेस्ट लाई एवर सर, द फिल्म पिंक हैज रिलीज्ड एंड गॉन, योर इमेज ऑफ बीइंग एन एक्टिविस्ट विल बी सून टू, द ट्रुथ विल कम आउट वेरी सून, होप यू आर बाइटिंग योर हैंड बिकॉज नेल विल नॉट बी इनफ। तो वहीं उसके बाद उन्होंने लिखा, Have personally heard so many stories of Bachchan and this misconduct and I hope those women come out. His hypocrisy is so tired. कहीं ना कहीं यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट सपना ये कहती दिखाई दे रही है कि अमिताभ बच्चन भी hashtag MeToo movement का हिस्सा है। वो महिलाएं सामने आएंगी जिन महिलाओं के साथ अमिताभ ने गलत किया है, जहां पर एक तरफ अमिताभ इस मुद्दे में बात करने से बच रहे हैं, तो ऐसे में अभी सपना का इतना कुछ उनको कह देना वाकई ही ये हैरान करने वाला है। तमाम तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सपना जो है टेलीविजन शो की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, जिस शो को सलमान खान होस्ट करते हैं, तो उस शो का भी वो हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में देखा गया है कि सपना काफी ही ज्यादा बेबक होकर अक्सर ही बोलती है। ऐसे में उन्होंने सीधा ही तंज अमिताभ बच्चन पर कस दिया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी ही विवाद अब गर्माता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जहां पर अब तक सपना ने इस बात का जिक्र किया है कि ऐसा होगा, वो महिलाएं सामने आएंगी, आप बस प्रेयर करें। तो ऐसे में अब तक अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई भी रिएक्शन को नहीं देखा गया है, मगर अपने आप में जहां मीटू मूवमेंट इन दिनों काफी ज्यादा गर्मा रहा है, तो ये खबर सबसे ज्यादा ही हैरान करने वाली है कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को लेकर सपना ऐसा कैसे कह सकती है। अब देखना होगा कि जो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर सपना कह रही हैं, क्या रिएक्शन बच्चन फैमिली की तरफ से आता दिखाई देगा। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बिग बी स्पेशल में जहां हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को लेकर हैशटैग मी टू अभियान को लेकर, वहीं आपने देखा कि भाई आखिरकार क्या कुछ कहना है हेयर ड्रेसर का। यकीनन जो उनके ट्वीट हमने आपको यहां पर दिखाए, आप भी देखकर हैरान रह गए होंगे, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल कभी उठ ही नहीं सकता कि जो अभियान चल रहा है उसमें कहीं अमिताभ बच्चन का नाम भी सामने आ सकता है। जी हाँ, हेयर ड्रेसर का कहना है कि अमिताभ बच्चन अपने चेहरे पर नकाब को लेकर घूम रहे हैं और वो नकाब बेहद ही जल्द हटेगा। मानो कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट सामने आना वाकई ही हैरान करने वाला है। मगर अगर देखा जाए, अगर इसको रिव्यू किया जाए कि आखिरकार ये जो मामला है इन दिनों काफी गर्माया हुआ है, तो वहीं जब इस मामले के बारे में अमिताभ से पूछा तो अमिताभ ने साफ इनकार कर दिया। वहीं ऐसे में जब हेयर ड्रेसर का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो आज तक कभी सामने नहीं आए, और वो लोग ऐसे राज खोल रहे हैं इस इंडस्ट्री के जो वाकई ही हैरान भी करने वाला है। तो वहीं कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखें, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपनी राय को जरूर लिखिए कि आखिरकार जो आरोप अमिताभ बच्चन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आखिरकार जो कुछ कहना है हेयर ड्रेसर का, आपको बता दें ये हेयर ड्रेसर जो है टीवी के एक रियलिटी शो में भी आ चुकी हैं। जी हाँ, उसकी एक्स कंटेस्टेंट है ये, और उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कहा ट्वीट करके, सबके सामने वो खुले में कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन का सच सामने आएगा। आप अपनी राय को जरूर रखें कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि अमिताभ ऐसा काम कर सकते हैं।
क्योंकि अमिताभ बच्चन के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो काफी ज्यादा ही महिलाओं का सम्मान अक्सर करते दिखते हैं। क्या कुछ आपको लगता है, आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।